एक बार नहीं लोगों ध्यान रखता है जा रहे क्या गुरु जी जा रहे हैं चलिए कोई आदमी इतना नीच इतना घटिया इतना हरामी कैसे हो सकता है कि एक लड़की को जिंदा जलाने के बाद हंस रहा होता है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद झारखंड की अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका कसूर इतना था कि उसने शाहरुख के जाल में फंसने से मना कर दिया झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह नाम की युवती के जिंदा जलाने के बाद शाहरुख हुसैन नाम के व्यक्ति का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर वो हंसता हुआ दिख रहा है और ये वीडियो तब का है जब पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और वह बेसरमी से हंस रहा है सीना चौड़ करके गाड़ी में बैठता दिख रहा है उसकी ऐसी बेशर्मी को देख कर लोग भारी गुस्से में हैं यहां तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने काफी प्रदर्शन किया कि इसे फांसी होना ही चाहिए क्योंकि इस हत्यारे शाहरुख का ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी उस करतूत पर कोई पछतावा नहीं है इस वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि जब पुलिस उसे गाड़ी में बैठाने के लिए ले जा रहा था तब वो हंस रहा था यह नहीं बल्कि गाड़ी में बैठने के बाद भी वह अपने चेहरों और मुझों पर ताव देता हुआ और हाथ फेरता हुआ दिखाई दे रहा है अंकिता बहन को आग लगाने से पहले शाहरुख उसे बहुत धमकी देते थे बेचारी स्कूल तक जाना छोड़ दी थी इस कुत्ते के कारण दोस्तों शाहरुख ने तेईस अगस्त की सुबह खिड़की से अंकिता सिंह पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था अंकिता सिंह का शरीर काफ़ी जल गया था उसके बाद वह पाँच दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूझती रही लेकिन अंततः अट्ठाईस अगस्त को उसकी मौत हो गया अंकिता ने मौत से पहले अपने हत्या के आरोपी शाहरुख को लेकर बताया कि वह उसे आए दिन तंग करते रहते थे और दोस्ती करने को कहता था लेकिन अंकिता उसकी एक बात भी नहीं मानी तो जान से मारने की धमकी देने लगा इसके अलावा शाहरुख के परिजनों की ओर से भी अंकिता के घर वालों को धमकी दी गई थी इस हत्या से गुस्साए लोग पूछ रहे हैं कि कैसे यह नरभक्षी दानव मुस्कुरा रहा है जैसे कोई मेडल जीत कर लाया हो इसने झारखंड की दुमका की एक लड़की को जिंदा जलाने का गुनाह किया है इस दरिंदे को फांसी कब होगी इतना ही नहीं वहाँ के डीएसपी नूर मुस्तफ़ा जो शाहरुख आरोपी है उसको बचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं डीएसपी एस पी यहाँ तक वो जो डीएसपी है उसके खिलाफ लोग काफ़ी गुस्से में हैं और तो और वो डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा वो काफ़ी ज़्यादा और घनघोर आदिवासी विरोधी है इतना ही नहीं उस इलाके में कोयला बालू पत्थर आदि संरक्षक और उसमें हिस्सादारी भी है दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है इससे पहले भी हमारे कई सारे हिंदू बहनों को खोया है और एक और अब हो गया अंकिता बहन का और शाहरुख पठान को फांसी से कम कोई सजा मिलना ही नहीं चाहिए